फिजिक्स सार थी मधुमिता मुखर्जी। आई प्रॉमिस अ बेटर स्कोरिंग इन योर फिजिक्स। अच्छा अभी मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 2019 का था। ये क्या बोल रहा है? इन एन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड वी, देन द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज, आपका ऑप्शन ए इज ई वी आर बाई टू, बी ऑप्शन इज टू ई वी आर, सी ऑप्शन इज ई वी आर, डी ऑप्शन इज ई वी आर बाई थ्री। बहुत सारे बच्चों को एक तो आ ही गया जो की में आ जाएगा, फिर भी हम तो पूरा स्टडी करते हैं। इन एन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज रिवॉल्विंग, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, दिस इज आर, विथ स्पीड वी, इसका जो वी है स्पीड वी, देन द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दैट। सी, एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, मीनिंग बाई एक करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है एक कॉइल में तो मैग्नेट बन रहा है। तो दिस हाइड्रोजन एटम इज बेसिकली एन इज मैग्नेट, दिस हाइड्रोजन एटम इज बेसिकली ए मैग्नेट। दिस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मांगा है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एटम मांगा है, ठीक है। हम क्या जानते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इंटू ए, हम जानते हैं करेंट इंटू एरिया। करेंट, ये जो करेंट ई इज ए चार्ज, चार्ज बोले तो करेंट बनेगा, करेंट इंटू एरिया ऑफ दिस कॉइल, एरिया ऑफ दिस ऑर्बिट, इन दिस केस एरिया ऑफ दिस ऑर्बिट विल गिव यू द मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ करेंट क्या है? ई इज द चार्ज, चार्ज पर टाइम, करेंट इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, इधर Q इज E एंड T क्या होगा? T टोटल डिस्टेंस क्या है? 2πr, 2πr टोटल डिस्टेंस। अगर T टाइम में जा रहा है तो वेलोसिटी होता है V, वेलोसिटी होता है V, सो 2πr डिवाइडेड बाई V इक्वल टू T, V वेलोसिटी में जा रहा है, 2πr बाई T इक्वल टू V, सो 2πr V बाई V इक्वल टू T। तो आप लिखोगे E by T, लिखना चाहते थे राइट, E by T और करंट एंड A, E by T के जगह कैसे लिखो? 2πr डिवाइडेड बाय V इंटू A, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो E V ऊपर चला गया, E V by 2πr इंटू पाई आर स्क्वायर, वन आर मर गया, पाई मर गया, सो ई वी आर डिवाइडेड बाई टू आ गया आपका ऑप्शन, ई वी आर बाई टू, दैट इज व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ व्हाट? एन एटम ऑफ अ हाइड्रोजन, दिस इज एन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? इतना है, ई वी आर डिवाइडेड बाई टू। हाइड्रोजन एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालने के लिए बोला और हमने निकाला, ठीक है। तो ए वाला चीज आपको अभी के दिन पे याद रखना है, एम इक्वल टू आई इंटू ए, करेंट इंटू एरिया, करेंट इंटू एरिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट 20 इयर्स क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व लाइक दिस। इफ यू आर बेनिफिटेड, do watch.